रोहतक कानपुर बोले इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। किसी सरकार की पहली जिम्मेवारी होती है लोगों की रक्षा करना, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हरियाणा प्रदेश में ऐसे हालत हो गए हैं जैसे कि प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों के भीतर प्रदेश के 4 बार DGP बदले गए हैं। कहा कि भाजपा के विधायकों और मंत्रियों के कहने पर SP DGP बदलने से काम नहीं होने वाला। रोजाना महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से शर्म से सर झुक जाता है। प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। देखिए, किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है लोगों की जान माल की रक्षा करना। परंतु दुख से कहना पड़ता है कि आज हरियाणा प्रदेश में ऐसे हालात हो गए जैसे सरकार नाम की कोई चीज नहीं। पिछले 2.5 साल की सरकार ने के अंदर 4 बार DGP बदल दी। खाली DGP MLA के कहने पे, मंत्रियों के कहने पे SP बदल दो, DSP बदल दो, DGP बदल दो, इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए कि लोगों की जान माल की रक्षा करे और इस प्रकार के रोजाना जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं ये हरियाणा प्रदेश का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए सरकार पूरी तरह फेल है और बगैर राजनीति के मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि तुरंत अपने पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाए और इस पर गुंडों के ऊपर सख्ती की जाए। नहीं लगता सरकार नारी के बारे में इतनी बातचीत करती है और नारी के साथ ही अत्याचार होता है। कारण पता क्या है कि सरकार केवल नारे लगाती है। बात तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की करते हैं और बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाती तो किस प्रकार से सरकार चलेगी। सरकार का काम होता है कि लोगों के विकास कार्य कराना, युवाओं को रोजगार देना, लोगों की जान माल की रक्षा करना। परंतु सरकार तो लगातार उत्सव मना रही है, कभी हैपनिंग हरियाणा मनाते हैं, कभी युवा उत्सव मनाते हैं, कभी स्वर्ण जयंती के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कभी गीता जयंती के नाम पे हेमा मालिनी के डांस पे पैसे खर्च किए जाते हैं। तो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री को इन उत्सवों को छोड़ के लोगों की रक्षा करनी चाहिए, लोगों की जान माल की रक्षा करे, लोगों को बिजली पानी उपलब्ध। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तुरंत पुलिस विभाग की बैठक बुलाए और इन मामलों पर सख्ती से काम करे।